ठंड च सौना बगैर जाई कंबलों तो घरों माँ प्यो की मार फनकार बनने लिए घरों नहीं निकलता बरादरी भी निकल जाता खास करके पिंड कहते कट दे मैं लफाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कहते कट दे भी मुंडा वो बन गया जी मिट्टी का थड़ा बना के सानू कहते ड्रामा करो ट्रैक्टर की लैट चलाती ट्रैक्टर से टेप चला ड्रामे की टिकट उन्हें की रखी आटा भी लै रहा कनक भी लै रहा पान सिगटा से भी ड्रामा विखा रहा चलते ड्रामे उन्हें दिलचस्प वाक्य पैदा होया कि ड्रामा से कार्य पिछले कनाल लगे ने एक बंदा समझ उठ गया वो भाई आप ड्रामा खत्म कर ला जल्दी ट्रैक्टर च तेल मुकन वाला ही भाई ते सियासी थिएटर विच किस तरह गए सियासी थिएटर बंद होने दी वजह की सानू तो मैं क्या जी कल नहीं आना मैं क्या जी मैं कल ने नहीं आना सारिया ने नहीं आना कहीं सारिया ने नहीं आना जो बुलावे सारे ने बुलाओ दो साल हो गए उन्होंने नहीं बुलाया जिंदगी खुश होने वाले लम्हात जो तुम सही खुश हो जो नवी नवी कुड़ी कहे मैं तेना इश्क हो गया मैं तेना प्यार हो गया उदो फिर बंद भुख भी नहीं लगती बंदा बड़ा खुश फिरता जो फनकार फील्ड आए हैं उदो कोई इश्क के वाकया खाया ने बेशुमार 18 भी इश्क अपने घर के काम छड़ के पता लग गया औरतों ने जुत्ती लैके देनी है मां को दुपट्टे लैके देने भैन ईद के फिर दो तीन साल बाद मेरा इश्क खत्म हो गया तेना मैं ये ना कर हाई स्पीड से मारी फिर मैं सज्जी लत दरवाजे राही साहब वो मार के दरवाजा खुलिया ठा तो बंदा कहता ओए तू कौन दफा लाती मेरे को सीधा मैं थाने सुटिया थाने फिर मेरा इश्क उन्हें कढ़िया दो तीन दिन बाद जिहड़ी मिली उंजी इंजी मिली किन्नी देर दा इश्क करना मैं कही मैं तुहाडी जान दे सकदा कहिंदी जान नहीं लवांगी सिर्फ पैसे लवांगी अस्सलामुअलैकुम जी आबद चार्ली साहब हमारे साथ मौजूद हैं थैंक यू सर आपके टाइम का अच्छा सर जी मुझे ये बता दें आपका ताल्लुक कहाँ से और करियर का आगाज़ कब शुरू किया ताल्लुक जनाब समा मेरा है शहर उकाड़े तो ठीक है तो फन का आगाज़ पाकिस्तान लोग कितों भी कर सकते हैं ठीक है कोई किसी से कोई पाबंदी नहीं हैगी भावें घरों कर ले अजक लोग यूट्यूब तो करते हैं ठीक है साढ़े दौर से जो प्यो को मार बहुत ही पैंती जी तो आ बहर एक्टिंग करनी शुरू कर दी सही हो गया तो उतो फन लोगों ने कहा फन फन का आगाज कर लिया इन्हें ठीक होगा जिस दौर से असी अपने फन का आगाज किया सारे इतने चैनल नहीं होंगे तो उदो बस एक टैलीविजन हों ठीक है सिर्फ उत्तर पी टी वी हों शाम 4 बजे चलता सी तो लोग 11 बजे तक जिम्मे चौल वंटी तो उजे टी वी अगे बैठे होंगे तो हूँ तो उदो फनकार कितने कितने लभदा सी जां बनाया जांदा सी तो हुण यूट्यूब ने ते टिकटॉक ने ते टुटदे फिरदे बंदे फनकार बनाते असी ते हुण सिर्फ गल करने आ कोई यूट्यूब वाले सारे एक्सरसाइज कर जांदे उस ते ठीक हो गया अच्छा तुसी पंजाबी च कर रहे हो ते मैं भी फिर पंजाबी नाल तुहाडे नाल करना आप बैठे पंजाब जां पंजाबी सब नूं समझ आएगी विच थोड़ी बहुत उर्दू भी बोल लैणा अगर तुसी बोलनी होवे मैनूं दिक्कत हुंदी उर्दू बोलण च कोई मसला नहीं मैं शहर उकाड़े दा रहण वाला एक देहाती आदमी हां ठीक है तो इसलिए मैं क्या चलो पंजाबी अच्छा केड़ी-केड़ी मुश्किलों का सामना किया जिस टाइम शुरू में आए फील्ड में आए तो केड़ी-केड़ी मुश्किलों का सामना किया ठंड च सौना बगैर जाई कंबलों तो घरों माँ प्यो की मार मुश्किल तुम मैं दसिया कि शुरू शुरू बंदा फनकारों निकलता ना फनखाली फनकार बनने लिए घरों नहीं निकलता बरादरी भी निकल जाता खास करके पिंड कहते कट दे हूँ मैं लफाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कहते कट दे भी मुंडा वो बन गया जी कटो इनू ना रिश्तेदार रिश्तेदार लेंदे ना कोई रिश्ता देने जोगा ना कोई लैन जोगा भैन भरा नहीं मिलते लेकिन फन एक ऐसी चीज़ है जिस शख्स के अंदर जो मौजूद होंगे ना या उन्हें शौक पैदा होता या उसकी कोई जुस्तजू हो जाती है फिर वो स्ट्रगल करता है वो भावें जो कुछ मर्जी हो जाए ना वो इंज करता है अज भी मेरा एक शागिर्द बनया इतने रहा गज्जू मते चार बच्चे ने जो थोड़े जे पैसे होंगे कहता उस्ताद जी मैंने कुछ बना दे इतने दो महीने खज्जल खराब हो गए फिर चल जाता कहता उस्ताद जी बच्चे भुखे मर गए ने मैं उन्होंने कुछ लै दे के आया तो मैं अज वेख्या कि तुहाडी गल वाकई सी फनकार दे अंदर फन हो जाता ना फिर उन्होंने कोई डक नहीं सकता बिल्कुल अच्छा अपना कोई स्ट्रगलिंग फेज का वाकया सुना दो जिस टाइम स्ट्रगल दे दौरान बेशुमार सामा साहब स्ट्रगल दे वाकयात ला तादाद ने हूँ तो ड्रामे लाहौर शहर तो इलावा भी बेशुमार लोगों के अपने अपने शहरों करते हैं मैं शहर उकाड़े तो आगाज़ किया तो लाहौरों असी एक टीम बना के लैके जाते होंगे दूसरे शहर ड्रामा कर मैं पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिथे आबद चार्ली ने ड्रामा ना किया हो अच्छा मैं उत्थे भी ड्रामा किया जिथे सैनवा नहीं है
हवेली लखे डूंगे बूंगे हरूनाबाद चिश्तियाँ बावल नगर फोटा बास ऐसा शहर है कि उत्थे मुमताज़ दी फला जनरल नसीब कर उन्हां दा शहर है डूंगा बूंगा एक शहर में उत्थे एक ड्रामा कीता मैं तुहानूं वाकया सुनावां दिलचस्प सैनमा नहीं हैगा उत्थे असीं मिंचना बाद ड्रामा करदे पे साडे को आ के कहिंदे आओ यार साडे इत्थे ड्रामा करो मैं कहा चलो ड्रामा कित्थे करना कहिंदे आओ तुहानूं सैनमा दा हक ले जाइए मैं कहा जी सैनमा डरना होगा उन्हें तीन शो कर दिओ साडे पैसे मुको पैसे दे गया बंदा पता नहीं वो कहते मैं तेन जो आ गए पैसे लै गए चले गए उन्हें क्या शाम और ड्रामा करना ड्रामा कितने कच्चे जगह पर पैलियाँ कहें फलानी जगह तुम ड्रामा करना मैं क्या उत्थे अजे सैनमा कोई बिल्डिंग कोई हाल तमीर करना कहता शाम सैनमा सब कुछ तैयार होएगा अच्छा असं ड्रामा कर चले गए शाम असर तो बाद सू लै गया तो चार पोल खड़े ने सैडा के चारों तरफ तो उन्हें काली चादर एक पास इधरों एक पास उन्हें कहते हैं कच्ची टाखी सैनमा ठीक हो गया तो मिट्टी का थड़ा बना के तो सानू कहते ड्रामा करो ट्रैक्टर की लैट चलाती ट्रैक्टर से टेप चलाती अच्छा, करो ट्रैक्टर की लैट ते मैं ट्रैक्टर सलीम अल बेला साहब सन मैं सन अली खान ते लड़कियां सन उन्हें कहा जी ड्रामा करो तुसी ते सारी जिनी पब्लिक हैगी ना वो घरों बेंच मंजियां चार पहियां लैके ड्रामा वेख अच्छा अपनी अपनी तो ड्रामे की टिकट उन्हें की रखी आटा भी लै रहा कनक भी लै रहा पान सिगटा से भी ड्रामा विखा रहा डूंगे बूंगे ड्रामा रोटी भी देंगे ठंडी रोटी दो दिन दी सानू विआह वाले चौल जे जल्दी वाले ना जुड़े हो सानू लिया खाओ जी चलते ड्रामे दे विच दिलचस्प वाकया पैदा होया कि ड्रामा सी कादे पिछे कनाज लगे ने ते एक बंदा सामने उठ के मैनूं कहिंदा ओ भाई आपद ड्रामा खत्म कर ला जल्दी ट्रैक्टर च तेल मुक्कण वाला ई भाई चलता ड्रामा हूँ तो पब्लिक कुर्सियां बैठे अरे ड्रामा चल रहा पाया चार पाइं के लोग बैठे ने पेंडू तो एक चार पाई तो छे बैठे ने अठ बैठे ने तो चार पाई टुट गई ठा ड्रामा हो गया सही हो गया आखिरी दूजे दिन असं ड्रामा कर गए उत्थे उस तो ज़्यादा अच्छा दिलचस्प वाक्य नहीं शुरू हो सकता अच्छा प्रोड्यूसर ने पता नहीं ट्रैक्टर वाले ने पैसे दते नहीं दते चलते ड्रामे च असामा साहब सच्ची गल नेरी आ गई अच्छा हूँ जिथे असी ड्रामा कर रहे स उस पिंड लाइट ही नहीं हैगी ठीक है वह बंदे ट्रैक्टर की लाइट नेरी चली जड़िया दीवारा सी उसे कपड़े दीवारा उड़ गई ट्रैक्टर बंद हो गया नेरी इंजरी चले जो ट्रैक्टर बंद होया तो किसी कोई पता ना लगे चीखो पकार की आवाज आ रही ना पता लगे फनकार कौन आवाम कौन कितने कितने नहीं सही हो गया तो जो नेरी चल चुल के नेरे के असं गए तो बाद चो पता लगा एक चौलों के गोदाम से सानू कोई हाथ फड़ के लै गया जैसे कैदियों को ले जाइए अच्छा अच्छा उजड़ गए चार दिन बाद सारे फनकार कट्ठे हुए कोई किसी के घर रात गुजारी किसी ने घर रात गुजारी सही हो गया और नेरी का वाक्य मैं जी याद आता पिछों जिन्होंने कार से फनकार से साढ़े ना फीमेल होंगे से असं कही जी सा जमानत है साढ़े नाल भेजो कुछ नहीं होता उस जमानती सानू फड़े पेना से भाई जी असं तो आप घरों बकार हो ठीक हो गया ऐसे वाकयात भी होए ने ड्रामे अच्छा अच्छा मैं ये दसो आबद बॉबी तू आबद चार्ली किस तरह हाँ सामा साहब मैं आबद बॉबी सा ते एक कराची कमर्शियल आई इरफान खुसर साहब ने कहा गया मुंडा करेगा मेरी शक्ल चार्ली चपलन के नाल मिल गई सी इंटरव्यू होए सन कराची ठीक है तो वो मैं इन्ना चार्ली चपलन के नाल मिलया कि उन्हें कहा सेम चार्ली चपलन हों मैं बाहरों पेशकश हुई कि उत्थे उहदी फैमिली ने भी कहा मेरी यह तस्वीर अगर तुम लगो ना चार्ली चपलन की किसी को तस्वीर नहीं हैगी ठीक है मैं तुम्हें वो नैचुरल किसी ने वो तस्वीर जेनवन नहीं वेखी चार्ली चपलन के रूप ही वेखी वो मेरे सेम टू सेम मिल गया अच्छा मैंने पेशकश हो बहुत जाके बरतानी जाती लेकिन मैं वो जहाज के सफर तो बड़ा डरना अच्छा मैं नहीं जहाज बंदा मैं डर लगता जो इतनी शोहरत मिली तो उन्होंने कैरी क्यों नहीं किया चलो बंदा पाकिस्तान कैरी कर लें पाकिस्तान मेरिया होर कमर्शल बनिया मैं चार्ली चपलन का गैटअप करके ड्रामे करना हूँ मैं थोड़े को इस तरह बैठा मैं चार्ली चपलन का गैटअप करके करा तो लोगों ने मैंने पहचान नहीं उन्हें कहना सच्ची मुची का चार्ली है अच्छा शक्ल इन्नी मिल गई मेरी कमर्शियल चली है तो वह भी बस वो सच्ची मुची चार्ली चपलन बन गया सही हो गया सही हो गया अच्छा कदे कोई फिल्म करने का मौका मिले हाँ फिल्म मैं तीन चार कीतिया ने ठीक है सैयद नूर साहब की एक फिल्म की एक रशीद डोगर दो फिल्म की चौधरी रियाज दिल्म की कॉमेडी की जफरी खान साहब नासर ना ठग साहब ना मैडम सैमा बेग ने की फिल्म सही हो गया लेकिन फिल्म वाले का मजाज नहीं साढ़े ना मिलता जे हूँ शायद मिले टीवी थिएटर फिल्म एक फनकार उ ने लेकिन हर एक का शोभा अलग अलग है बिल्कुल बिल्कुल साड़ी फिल्म रस्सी च DSP भी उंज बोलता तो बदमाश भी उंज बोलता तो डॉक्टर भी उंज बोलता सही हो गया
हस्पताल दे विच डॉक्टर जिहड़ा बोलता तो बदमाश हूँ कहता जिस तरह बोलता DSP की भी टोन उही है तो पता नहीं लगता बदमाश कौन है DSP कौन है डॉक्टर कौन है। ठीक 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 तो अगे तुम दस रहे जी बाहर जहाज के सफर तो डर लगता है तो कदे नहीं बाहर गए कदे बाहर जाने का मौका नहीं बाहर गया मैं दुबई गया। अच्छा शोकन गए तो उस तो बाद मैं माशाल्लाह उमरे तो जाना रोजियां तो उत्थे मैं डर नहीं लगता उत्थे मैं पता गल्ला दे घर चले बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं वो मैं बह जाना भी बस वापस ना भी आया तो खैर दुबई जान लगे बस एक जहाज खराब होया तो मैं ला दे रस्ते मैं नहीं हूँ नहीं उतर सकते सही हो गया किसी तरीके ना मैं रुक सकता उन्हें कहा हूँ उत्थे जाके रुके फिर मैं सोचा कि दुबई वाले मैं इधर कोई पैदा दस्ता वो कहते पैदा दस्ता तो 5-6 दिन का वो ये तो भी ज़्यादा खतरनाक है। सही हो गया फिर मैं एक बस कलमा पढ़ के बैठ गया जहाज। सही हो गया। अच्छा मैं ये दसो कि थोड़ा अपना पसंदीदा फनकार कौन है थिएटर जिन्हें तुम खुद देख कर हसते हो थिएटर के अगर मैं किसी फनकार देख के हसना मेरे पसंदीदा दो तीन फनकार ऐसे ने जिन्हें मैं काम करना नासर चनोटी जफरी ते आगा माजद। ठीक है आगा माजद दा नाल गल करो तुहानू 100% उस गल दा रिस्पोंस दिंदे ने। बिल्कुल ठीक है जफरी खान साहब तुसीं कोई क्यू दिओ तुहाडे क्यू नूं समान ते क्रिप चाहुंदे ने। बिल्कुल नासर चनोटी नाल तुहाडी कोई सिचुएशन फस गई ना उहदे च बड़ा प्यारा तुहानू खेड के दिखाउण। सही 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 बाकी अगर हरकतां तुसीं देख लो ते मैनूं ठाकर साहब दीआं पसंद ने। अच्छा हाँ जी सही हो गया। ते सियासी थिएटर विच किस तरह गए ते सियासी थिएटर बंद होने की वजह की बनी सी? सियासी थिएटर के मैं सरदार कमाल साहब लैके गए। ठीक है अगो वसी शाह साहब बहुत ही नफीस आदमी उन्होंने प्यार है मैं ट्राई के तौर पर गया 3.5 साल काम किया। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। तो कुछ चैनल पॉलिसियां सन सानू नहीं पता चला सानू तो उन्हें कहा जी कल नहीं आना मैं कहा जी मैं कल ने नहीं आना जो सारे ने नहीं आना। सही सही कहते सारे ने नहीं आना जो बुलावे सारे बुलावा। सही 2 साल हो गए उन्होंने नहीं बुलाया। ठीक हो गया कहते सानू ना बुलाना सी कहते तुसीं सानू ना बुलाओ। सही हो गया। तो जिंदगी का कोई यादगार वाकया जो पूरी जिंदगी दे विच माशाल्लाह काफ़ी जिंदगी गुजार ली है तुसीं? जिंदगी बस यही गुजार ली कि हूँ तो माशाल्लाह शादीशुदा हुए हैं। ठीक है तो जो फनकार फील्ड आए हैं उन्होंने कोई इश्क के वाकया तो है ने बेशुमार 18-20 इश्क किए ने मैं माशाल्लाह माशाल्लाह 18-20 तो थोड़ी दुआ ना 18 किए 18 चो छित्र खाधे ने। सही हो गया। एक वाकया है जरा कि वो ज्यादा छित्र खाधे। ठीक है दोस्त सन कोई उन्हें इश्क हो गया प्यार हो गया। ठीक है और बस ड्रामे भुल गए घर के उदो पता लग गया कि दाल का की रेट है चौलों का की रेट है। अब 40 साल उत मुल्तान चो सफर करके लाहौर आए। ठीक है तो उन्होंने साल 1.5 साल उसकी खिदमत की तो अपने घर के काम छड के पता लग गया कि जो औरतों ने जुत्ती तो लैके किमें देनी है वो माँ को किमें दुपट्टे लैके देने वो भैन को ईद किमें देनी सेवियाँ किमें देनी है ईद तो ईद नहीं पड़ी तो घर चौल लिया देना ढोड़े वो फिर 2-3 साल बाद उन्हें कहा मेरा इश्क खत्म हो गया तेना मैं कहा ये ना कर नहीं तो मैं बहुत खिदमत की धोखा ना दे उन्हें कहा बाजा जा मैं कहा जी मैं तो जब मर जाँगा जब मर जाँगा। ठीक है उन्हें कहा मैं तेन कह दी बाजा जा नहीं आया बाज वो फिर मैनू नहीं सी पता जो इश्क खत्म करने लिए असी तो उत्थे लगे उन्हें फिर अगो एक नवा आशक लभ लिया। अच्छा वो नवा आशक मेरे सामने आया मैं उन्होंने फड़ के कुट दिता घर जाके। अच्छा सची मुची वाला वाक्य है तुम मना इंज गया वा मिलन गया तो वो बैठे ने दरवाजा खोलिया तो सीधे साधे आदमी सा सी तो मैं मारी लत दरवाजे वो अम्मी कहती है वो अंदर बैठी गल् कर रही मैं क्या गल् कर मेरी गल कर ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਕ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਚ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਠਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ AC ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਆ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੀਖੋ ਪਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਛੱਡੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਲੈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਸ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਫਾ ਲਾਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ
सीधा मैं थाने सुटे हैं। सही हो गया थाने, फिर मेरा इश्कुर ने कढ़िया दो तीन दिन बाद। इस तरह वो वाक्य मैं नहीं भूलता। ठीक हो गया। अच्छा तो मैं ये दसो कि हूँ जी शादी है तुहाड़ी वो भी लव मैरिज है? नहीं शादी मेरी मेरे खानदान फैमिली तो इतने प्यार किए तो कोई भी नहीं मिली? नहीं जिन्हों जी मिली उन जी इंजी मिली तुम सच्ची गल दसदा उन्हें क्या जी मिली तो उन्हें कहा जी कि देर का इश्क करना मैं जी मैं तेरे लिए जान दे सकता कहीं जान नहीं लवानगी सिर्फ पैसे लवानगी बस फिर उस तो बाद फिर बड़े इश्क होए लेकिन फिर मैं समझ आता जो कहती सी हूँ अपना आप इंतजाम कर ला फिर मैं कहते अच्छा हूँ 15 दिन दे दिए मैं भी अपना इंतजाम कर ला वो अगले घर अस उस अगले घर मुल्तान से बड़े मशहूर मुल्तान से मेरे इश्क ज़्यादा मशहूर हो। अच्छा अच्छा कोई खास वजह मुल्तान? मुल्तान को 4-5 साल का अरसा गुजारिया सब सब कला सा कुछ लोगों की जिम्मेदारियां होंगे मैं अपने भरावान सब तो छोटा सा कोई मतलब ये जिम्मेदारी नहीं होंगी कि पैसा कमा के पिछे देना ना कोई अम्मी अबू है नहीं सी भैन भरा अपनी जगह से वो मुल्तान इस तरह टिके रहे 4-5 साल कोल आए तो खा लिया नहीं तो पाए सुते। सही हो गया। तो जिंदगी का सब नालों खुश करने वाला लम्हा तो जिंदगी का सब नालों उदास करने वाला लम्हा केड़ा? उदास लम्हा इस तरह होंगे कि अगर अच्छे दोस्त कोई मिल जाए ना कि बैठे महफिल हो कि बाज़ दफ़ा ऐसा ऐसा एक दफा ड्रामा होंदा सी पिछली दफ़ा हूँ वो ड्रामे नहीं होंगे जो ड्रामे करने सन ड्रामा करने तो बाद किसी जगह जाके ड्रामा करना तो उसे सैंडविच ड्रामा करना ठीक है तो उ रिहायश करनी ठीक है मुंडे कुड़ियाँ कट्ठे ने इश्क भी हो रहा बिच तो रो सालन भी पक रहा कुड़ियाँ रोटियाँ इश्क हो रहा कट्ठे ने तो बिच इश्क हो रहा बस वो हर एक बंदे मुंडे ने कहा तू इन्ना गल तू इन्ना गल सारा मैनेज कर लिया अच्छा 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 वक्रियाँ जोड़ियाँ बन गई एक घर के 3-4 मियाँ बीवी बन गए रात में तो वो फिर यह हों के रा ड्रामा करने तो बाद आ कट्ठिया खाना पकाना खाना तो वह 8-7 दिन के ड्रामे तो बाद जो ड्रामा खत्म होंदा सी ना वो मैनू लम्हात याद आ कि इंज सच्ची मुची जिवें कोई विछड़दे सन तो उदो अखा जो थ्रू आ जाते सदों फिर दोबारा ड्रामा करना उदो ड्रामे के नुकसान होया ना किसी ने तंग करना या पैसे ना बचने तो वह कोई बर्दाश्त करते सन लोग फीमेल मेल भी असं इस तरह भी एक जगह तो होया असं शहर गए हैं ड्रामा करने काड़े नाल दपालपुर ठीक है तो ओपन एयर सिनेमा से ठीक है तो रब नो कोई साड़ी ऐसी अल्लाह ताला के आओ हाँ ड्रामा कर तो असं फरिश्तियां की ड्यूटी लग गई जो ड्रामे का तराना लगता से उदों बारिश हो जाती सी। अच्छा तो बस फिर या 7 दिन ड्रामा मेरे ख्याल से 7 दिन ही बारिश होंगी रही तो ब पिंडा ट्रांसफार्मर भी वो हों के जोड़ा पहली बारिश से उड़ जाता तो ट्रांसफार्मर उड़ता हों मगर 6 दिन बाद लगता हों तो बस वो इंज का नहीं तो फिर 6 दिन तुम उ बारिश 6 दिन उ रहे किसी फनकार ने नहीं कहा पैसे चाहिए मेरे पैसे खत्म हो गए हैं आलू उबाल के भी खाते रहे हैं। अच्छा तो फिर 2-3 दिन बाद उ जाके अड्डे तो जाके किसी ने कहा यार रोटी छोटी खाओ रोटी छोटी खाई और यह कोई 12 साल पुराने वाक्य सही 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 तो ये तो तुम उदास होने वाला लम्बा दसदा खुश जिंदगी खुश होने वाला लम्हात जो तुम सही खुश हो जो नवी नवी कुड़ी कहे मैंने तेना इश्क हो गया मैंने तेना प्यार हो गया ना उदो फिर बंद भुख भी नहीं लगती बंदा बड़ा खुश फिरता सही हो कोई किसी की लड़ाई होंगी भी हो बंद कहना ना यार लड़ो ना कोई गाल कट भी जाए बंदा खुश ही ना कोई गल नहीं यार तो जो उदास हो तो कोई भी कुछ ना कहे तो एवं मुलाजम ना ही लड़ पता तेरे नज़र नहीं आता वो बंदा समझ आता कि टेंशन टेंशन सही होगा।